हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का बिहार आंगनवाड़ी से संबंधित इस सबसे अच्छे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बिहार आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में दो बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। वो खबर THR पोषाहार वितरण केंद्र का किराया या फिर किसी प्रकार का निरीक्षण या फिर आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी समस्याओं के संबंध में हो सकता है। इस खबर में आपको जो दो बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, एक खबर जो पहली खबर होगी वो केंद्र पर THR वितरण के संबंध में होगी। दूसरी तरफ खबर उसी जिले के एक परियोजना की जो है, जहां पर LPG कनेक्शन सेविकाओं को दिया गया है ताकि केंद्र पर अच्छे तरीके से पोषाहार बनाया जा सके और इसका लाभ लाभार्थियों को मिल सके। इसके लिए चलिए दोनों खबरों को मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। वीडियो पसंद आएगी आपको मालूम है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित जो दो बड़ी खबर है वो एक ही जिले के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको स्क्रीन पर खबर दिखाई दे रही है। पहली खबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसका शीर्षक है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर किया गया THR का वितरण। अब यहाँ पर देखिए पूरी खबर ये क्या लिखी गई है और किस प्रकार की जानकारी है, ये मैं पहली खबर आपको दिखा रहा हूँ। देख पा रहे हैं झोला लेकर यहाँ पर लाभार्थी केंद्र पर पहुँचे हुए हैं और इनको जो है सामग्री THR की दी गई है। लिखा गया, गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत भवनपुर पंचायत कोरियोना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 64 पर समाज कल्याण विभाग पटना के निर्देश के आलोक में CDPO श्रीमती सीता कुजूर के आदेशानुसार पर आंगनबाड़ी सेविका सुशीला कुमारी के द्वारा THR का सूखा राशन का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सुशीला कुमारी ने बताया कि किस उम्र के और किस कैटेगरी के कितने लाभार्थियों को जो है ये सूखा राशन दिया गया है। चावल दाल सोयाबीन का वितरण किया गया है। वहीं इस केंद्र के वितरण किए जाने से सभी पोषक क्षेत्र के महिलाओं में काफ़ी खुशी है। जबकि प्रखंड क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है, अन्य केंद्र पर सरकार द्वारा दिए गए लाभ का वितरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में दूसरे केंद्र के पोषक क्षेत्र की महिलाओं में काफ़ी रोष है। वहीं केंद्र संख्या 64 पर THR का वितरण किए जाने पर सहायिका सुनीता कुमारी, समिति के अध्यक्ष मंजू देवी और महिलाओं लाभार्थियों ने जो है उसमें काफ़ी खुशी जताई हुई है। तो ये पोषाहार वितरण के संबंध में आज के लिए पहली खबर बड़ी खबर है। और दोपहर के लिए जो दूसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसका भी शीर्षक आपको नीचे की तरफ दिखाई जरूर दे रहा होगा। लिखा गया, रोह में आंगनबाड़ी केंद्र में LPG गैस पर बनाया जाएगा भोजन। यहाँ पर देखिए पूरे पैकेज के साथ सामग्री वितरण की गई है, यानी कि सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप, सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो खबर है गैस वितरण के संबंध में, ये दूसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया, रोह प्रखंड के मोरमा रोह पंचायत अंतर्गत 26 आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस चूल्हा का इंतजाम कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिकाओं को अब लकड़ी से चूल्हा जलाकर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनिवार को CDPO ऑफिस में सेविकाओं को गैस चूल्हा, दो सिलेंडर, पाइप, रेगुलेटर निःशुल्क वितरण किया गया, जिस पर अब सहायिकाएं बच्चों के लिए आसानी से भोजन बना सकेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर भोजन तैयार करने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में विभाग द्वारा अब इन समस्याओं से जो है निजात पाने के लिए जो है गैस कनेक्शन दे दिया गया है। CDPO कुमारी संजू का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने के लिए जो है वो गैस सिलेंडर दिया गया है और प्रखंड के 183 आंगनबाड़ी केंद्र में गैस चूल्हा कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप दोनों खबर देख लिए, समझ लिए, उम्मीद करूंगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।